हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अपने अपने घर बड़े होंगे। गुड मॉर्निंग, सुपर बात, राम राम। सुबह के टाइम मतलब 5:30 बज रहे होंगे, कुछ तो ऊपर नीचे हो रहा होगा। हाँ, 5:35 हो रहे हैं। तो अभी निकलते हैं। मैं रेडी हो गया हूँ, अभी ब्रश फ्रेश हो गया होके अभी रनिंग के लिए निकलते हैं। अब देखो कहाँ तक जाता हूँ, लेकिन आज मेरा प्लान है कि मैं यहाँ से जाऊँ इधर साइड मामा के यहाँ जाऊँ। अभी इधर से मतलब मामा के यहाँ घुमाऊँगा और पैदल पैदल मेरा वॉक, और मतलब कंटिन्यू मैं रनिंग नहीं करता हूँ, थोड़ा सा वॉक करता हूँ, फिर रनिंग, फिर वॉक, फिर रनिंग, ऐसा करके। तो चल देख के आते कहाँ तक जाते। वैसे तो मैं काफ़ी दूर तक चला जाता, तो इधर तो चला ही जाऊँगा। तो आज चलते हैं भाई। तुमको लग रहा हो झूठ, तो पैदल ही निकलो भाई। ये आप बड़े लगे दोनों पैर, और सामने तुमको जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पर BCM अगर दिख जाए तो इस क्वालिटी में। और अभी अभी इतना तक नहीं भाई, अभी मैं जा रहा हूँ अपने मामा के यहाँ, समझ रहे हो। बस ज़्यादा दूर बचा नहीं है, थोड़ा ही दूर बचा है। तो अभी ये ले भाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ओ बच गया, टिकटॉक के वीडियोस पड़े थे। नहीं, आजकल इंस्टाग्राम में भी वो चीज़ चालू हो गया, तो उसके वीडियोस पड़े थे, बच गया। ओ भाई भाई, अब दूसरा दिन है ना भाई, गजब सांस फूल रहा है यार। मतलब 500 मीटर दौड़ रहा हूँ, मेरा मेरे सर्दी नाक जाम है ना, मेरा सर्दी है उसके चक्कर है, मेरा पूरा वही डूबते जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। सांस पूरा वो नहीं कर पा रहा, बार मेरे को जोर जोर से लेना पड़ रहा है सांस। ये जरूरी इसी से ठीक होगा, और सर्दी भी इसी से ठीक हो जाएगा, दौड़ते दौड़ते साफ से हो जाएगा। अब चलते हैं मामा के पास। चलो भाई, ये अच्छी बात है कि बीसो हमारा फ़ोन उठा लिया, वरना भाई साहब जीवन में कभी कभी काम के टाइम में वो फ़ोन नहीं उठाया। मैं तुमको कैसे यकीन दिलाऊँ यार कि मैं पैदल निकला हूँ, लिटरली अभी मामा के यहाँ जा रहा हूँ भाई। तुम लोग, हाँ भाई, कालू रेसिस्ट बोल दे, मेरे को बोल दे रेसिस्ट। ये तो पास में ही आ गया भाई, सभी इतने अच्छे होते हैं क्या। ले तो फिर चल भाई, जान दे हैं। वही भी 2-3 लोग से मिल चुका, पता है 2-3 कुत्तों से मिल चुका, कुत्ते से मिल चुका। चल भाई बाय कालू, कालू भाई को भाई बोल के चलते भाई। ये सामने ही BCM की बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है तुमको। अरे भाई पीछे देखो यार, सनराइज इधर ही से होता है ना गाइस, इसलिए मैं गया था। ये भाई मैं गया था वो करने, क्या कहते हैं उसको, रनिंग करने भाई। कमर में चोट लग गई, आ गया पैदल। मैं पैदल बोल रहा हूँ, बीच छोड़वा रहा हूँ घर तक। ये छोटे छोटे ये आने पर भाई, इनको दूध पिला पिला मत। ये नहीं बोल रहा बीसू, क्या प्रोग्राम दिखा दिया आपने, है बढ़िया है। 3 रहे का उठा ले यार, तो आप भी ले जाओ। मैं क्या करूँगा, ठंड में मर जाएगा फिर भी। सारा मस्त ले जाओ, सच बता रहा हूँ आपको। रूम कहाँ रखूंगा, अरे रूम में रख। अंकल बोल रहे थे चाहिए तो ले जाओ, लेकिन तुम बोला नहीं, मैं लेके जाओ। टेक टेक केयर करना होगा तो उठा ले जाऊंगा। अरे नहीं, सामने रूम में पता चला बुलवा दे। हां ले जाओ, सच बता रहा हूँ, रख लो इसको। अरे नहीं भाई, ये लोग यहीं सेफ है, मैं इनको दूध दूध पिला देता हूँ शाम को ला के। दही दही क्या करें खा पी के, अबे चल सारे होते। चलो भाई चलते घर के अंदर, वहाँ पे घर है अपना। ए, 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 ओ रहा भाई बिखरे, तो भाई बिखरे बाल सब कुछ समेटते हुए अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, नहा के कॉलेज चलना। आज प्रेजेंटेशन है, बता दूँ तो अभी हम प्रेजेंटेशन बनाया नहीं है, हमको जाके प्रेजेंटेशन बनाना है कॉलेज में अभी जाके। तो अभी चलते हैं, मुझे फटाक से रेडी होकर कॉलेज चलता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, जल्दी से। ये बच्चे को मारा मारी हो रही है, ये मारा मारी, ये मारा मारी चल रही है। ये सबसे मोस्ट हम्बल टीचर फ्रॉम सेक्शन डी, मोस्ट मोस्ट हम्बल टीचर फ्रॉम सेक्शन डी। मेरे खिलाफ अन्याय हो रहा है भाई, सर मार रहे हैं जबरदस्ती, पता नहीं क्यों। खेल होंगे फिर। तो भाई कॉलेज हो गया खत्म, अब चलते हैं विकास के घर के पीछे। गार्डन गार्डन बोलो, ग्राउंड है वहाँ, उस क्रिकेट खेल के उद्घाटन करते हैं। चारों भाई है पीछे।
अंदर जो तुम लोग गाना सुने वो इस मंदिर का है, खंडवा रोड में जस्ट अंदर का, मतलब इसकी कहानी बाद में बताऊंगा, बाद में बता दूं। तो भाई बैक टू होम, मैं बता दूं अभी कि मैं श्रेयांश भंवर को आजा रखे थे हर्ष के रूम का चाबी चाहिए थे, मेरा कुछ सामान रखा हर्ष के रूम में, तो हर्ष तो घर चला गया है तो मेरे को उसके रूम से कुछ सामान उठाना था। तो मैं ये कह रहा था मेन तो सारा दिन भर सो तो करता रहता है अमित चूतिया सारा, चलो कोई, मैं बोल रहा था कि अभी एक जो चीज़ पीछे जो क्लिप देखा मंदिर का भाई, वो एक छोटा सा क्लिप, इससे पहले जो छोटा सा क्लिप देखे ना अभी जो बांसुरी वाला, वो ओरिजिनल है, वो बंदा खुद बजा रहा भाई, लिटरली आँख से आंसू आ गए थे हमारे। उस मंदिर के अंदर हम बैठे हैं, मैं बता दूँ पहले मंदिर का लोकेशन बता देता हूँ, खंडवा रोड में हम जाएंगे, आईटी पार्क से खंडवा रोड साइड जाएंगे हम लोग, खंडवा नाका साइड जाएंगे सॉरी, तो अरविंदो कॉलेज से पहले हम जाएंगे तो हमारे साइड लेफ्ट साइड में एक मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, और मतलब कुछ और नाम उनका, मेरे को नाम अच्छे से याद हुआ नहीं, लेकिन लिटरली रोना आ गया था। मैं और श्रेयांश तो भाई का हाथ चूम लिए थे यार एक पल को, श्रेयांश तो मेरे से भी खतरनाक थोड़ा सा उस तरह हो गया था। मैं तो चलो ठीक है थोड़ी बहुत, मेरे को मैं बोला भाई अप्रिशिएट करना पड़ेगा, हम जैसे गए हैं 15-20 मिनट रुके वहाँ पे और फिर पट बंद कर दिया उनने, तो पट जब बंद कर दिया हमको बाहर निकाल दिए, जब पट बंद किए भाई वो बाहर आया, वो भाई मैं बता दूँ वहाँ पे एक दीदी थी और एक भैया थे, वो दोनों बांसुरी बजाने आते रोज वहाँ पे, मतलब वो इतना प्यारा बजाते हैं ना भाई, वो मतलब लिटरली अगर तुम लोग भंवर कुआं से देख रहे हो ना भाई, कोई भी मेरे दोस्त यार जो भी हो ना, तुम देख रहे हो ना जो भंवर कुआं से, एक बार वो मंदिर जाके देखना शाम को 8 बजे के समथिंग जाना, बहुत 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 नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होगा वो तुम्हारे लिए। मतलब उसके अंदर मैं गया ना, लिटरली मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई, बाहर की दुनिया की सोच ही नहीं पा रहा हूँ मैं कुछ, उसके अंदर क्या बैठा हूँ, सामने गाना चल रहा है उसकी धुन में खोया हूँ, आँख से आंसू निकल रहा है, पता भी नहीं चल रहा कि आँख से आंसू निकले, फ़ोन उनका कोई होश ही नहीं। तो ये वहाँ पे सिस्टम हो रखा था भाई, वही मैं उसके बाद से फिर भाई ब्लॉग ही नहीं किया, उसके बाद डायरेक्ट घर आ गया, वहाँ से चाबी निकाला, चाबी लिया और सीधे घर आ गया। तो अभी आज के लिए जो जितनी सुबह भी जितनी भसड़ मची थी कॉलेज में भाई, कॉलेज में बता दो कि सर क्या सबको कुछ काम दे रहे थे, काम कर नहीं रहे थे कोई, तो सबको सर मारना चालू कर दिए, काम कर काम कर काम कर काम कर। अब सर से हमारी थोड़ी सी मतलब, मैं सर को अपना अपने सही बिग ब्रदर ऐसा ट्रीट करते हैं, तो सर से थोड़ी बहुत मजाक मस्ती जो चलते रहती है, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन बता रहा था कि सर हम लोग को ऐसे मार दिए, तो हम जाकर कंप्लेन तो ना करेंगे, मार दिए तो भाई हमको मार रहे सर कुछ अच्छे के लिए, मजाक से मार रहे, अच्छे के लिए मार रहे, काम करवाने के लिए मार रहे, कुछ भी करने के लिए मार रहे, लेकिन वो ऐसा वो करते हैं कि भाई पता चले कोई ऑफेंड हो जाएगा, भाई टीचर कैसे मार रहा है, तो ये सब ना हमारे मतलब बड़े भैया हैं वो मान लो। और भाई कुछ दिन मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं यार, एक प्रॉब्लम है अभी क्या, श्रेयांश की दीदी की शादी, हमारा पूरे फ्रेंड्स का प्लान बना है कि हम श्रेयांश की दीदी की शादी में जाएंगे। अब हम फ्रेंड्स क्या भाई, भाई है मेरे जो चार है, चार ही तो है, वो चार हमारा चारों का प्लान बना कि हम दीदी के श्रेयांश की दीदी की शादी में जाएंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि दीदी की शादी 28 को है सतना में, और भाई शादी के दिन एग्ज़ाम ना फंस जाए फिर उसके आसपास, अगर एग्ज़ाम फंसेगा तो नहीं जा पाएगा, कोई भी नहीं जा पाएगा, ना मैं श्रेयांश रोहित विकास कोई भी नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर वो नहीं फंसता है क्या कहते उसको डेट आगे पीछे, फिर जनवरी में जाता है एग्ज़ाम, कहीं भी जाता है भाई लिटरली तो मज़ा आ जाएगा यार, मज़ा बांध देंगे। ओ मेरे को लगा भाई, मैं मुझे लगा ये नवंबर है, फिर आ गया कि ये अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है, 2 तारीख है अभी, मेरे को लगा 10-11 है भाई, मेरी फटके 4 हो गई थी, बोले ये 22-23 से एग्ज़ाम है, तो अभी पता नहीं है मेरे को क्लियर, जो भी है जैसा है सब कुछ पता चल जाएगा इसी ब्लॉग में, डेली ब्लॉग इसीलिए करता हूँ सब कुछ पता रहेगा। दूसरा चीज, अगर इंटरेस्टेड हो मेरे लाइफ में तो देखो, तुमको अगर इंटरेस्ट लगता हो मेरी ज़िंदगी से तो देखो ब्लॉग, वरना भाग जाओ यहाँ से, कभी कभार देखो, तुमको जो करना करो देखो, ना देखो भैया मैं अपनी मेमोरी कलेक्ट कर रहा हूँ, समझ गए, जिनको मेरे को बोलना था वो तुम भाई रोज़ देखते हो ब्लॉग, और तुम डेली ब्लॉग देखते हो, फिर तुम बोलते हो मेरी ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं, इस ब्लॉग को करते हैं एंड, हैप्पी एंडिंग हो रही भाई, मंदिर जाके बहुत मज़ा आया, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था वहाँ पे, तुम लोग भी जाना लिटरली, वहाँ बताया ना एड्रेस, वहाँ पे तुम लोग भी जाना एक बार, ट्राई जरूर करना, इंदौर से हो तो वहाँ जाकर ट्राई करना, शाम को जाना, तो मैं नहीं कहता हूँ 8 बजे जाओ, 7 बजे चले जाओ, 6 बजे चले जाओ, ऐसे चले जाओ रात को शाम के टाइम में, और जाके बस वहाँ बैठ जाना, फ़ोन वीडियो ना बनाने लगना कि वहाँ पहुँच के वीडियो बनाने लग गए, वीडियो वीडियो नहीं भाई, जाके ध्यान लगाना, फ़ोन वन बल्कि साइलेंट स्विच ऑफ कर देना साला, हम लोग गलती कर दिए, फ़ोन बज गया था मेरा बीच में। तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय, गुड नाइट।